देवास पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंधे कत्ल का किया पर्दाफाश। देवास जिले के सतवास थाना क्षेत्र के सतवास पुनासा रोड पर 30-32 साल के युवक का रक्त रंजित शव जंगल में 22 जून को मिला था। इस अंधे कत्ल की घटना में मृतक की पहचान भूरा उर्फ राजू पिता हबीब खान निवासी इंदौर के रूप में हुई थी। इस अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने मात्र 48 घंटे में ही सुलझा लिए। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 1 आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त देसी कट्टा भी जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज आयोजित पत्रकार वार्ता में घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी ने बताया कि इसमें पता लगा कि इसकी गोली मार हत्या की गई है। तत्काल सुरेश की मौके पर पहुंचे, उनके नेतृत्व में टीम गठन किया गया। SDOP खन्नौर, थाना प्रभारी बागली, थाना प्रभारी खातेगांव, थाना प्रभारी खन्नौर, थाना प्रभारी सतवास काटापुर, इनके साथ तत्काल टीमें बनाई गई। मृतक की जेब से मोबाइल मिला, उससे उसकी शराबी होती है। ये पता लगता है कि राजू बुरा इंदौर का रहने वाला है। जब इसमें अन्य डिटेल ली गई, पता चला कि 3 आरोपियों ने रहबर जावेद और नासिर, तीनों ने मिलकर मोटरसाइकिल से इस मृतक को यहाँ पर लाए और यहाँ पर ला कर सतवास के जंगलों में इसको गोली मार कर इसकी हत्या कर दी। सर, गोली मारने से पहले कुछ इसमें चूँकि ये बात सामने आई है कि पूर्व में इंदौर में जो फेजा कांड हुआ था, उस कांड में जो आरोपी है उनको शक था कि जो मृतक है इसने नौकरी की है, ऐसा शक था। दूसरा रहबर जो है उसमें शक था कि एक 6.5 क्विंटल का काजू चोरी वाला मामला आया था, इसमें भी ये शक था कि ये मजबूरी करता है। इन सारी बातों से इन्होंने प्लानिंग बनाई। इसका मास्टरमाइंड नासिर है, उसने प्लानिंग करके इसको मोटरसाइकिल के माध्यम से जावे और इसमें रहबर दोनों मोटरसाइकिल से मृतक को अपने साथ सतवास के जंगलों में लाए। लेकिन गाड़ी से नासिर में पहुँचकर तीनों ने मृतक को नशा कराया, उसके बाद इसको अपनी कट्टे से इसके फायर किया। इसमें 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। 1 आरोपी नासिर, अभी उसकी पतराशी जारी है। हमने 10,000 रुपये का नगद इनाम की इसकी घोषणा की है। खबर 100 के विशेष संवाददाता प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट।